केकें बना लेना, पहले वहाँ चल। हाँ चल चल। अरे बिट्टू, तुम क्या बना रहे हो? तू खुद का देख समझी। सचमुच तू क्या बना रहा है? मैं बब्बर शेर बना रहा हूँ। मुझे तो ये बिल्ली लग रही है। तेरा तो गाय की तरह लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, मैं तो गाय ही बना रही हूँ। धत, मैं बनाऊंगा ही नहीं और किसी को बनाने भी नहीं दूंगा। अरे क्या कर रहा है? अरे बिट्टू बिट्टू, सही नहीं होगा कह देता हूँ। अरे इसने सब खराब कर दिया। अच्छा किया। ये क्या बच्चों, सबके हाथ में मिट्टी क्यों है? देखो ना दादाजी, हम सब मिलकर मिट्टी का पुतला बना रहे थे और बिट्टू खुद नहीं बना पाया तो सब तोड़ दिया। क्यों क्यों, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। फालतू की बात मत करना परी। वो सब रहने दे दादू, अब हम आपसे पुतले की कहानी सुनेंगे। पुतले की कहानी क्यों रे? अचानक पुतले की कहानी क्यों? दादू वैसे आज पुतला ही बना रहे थे है ना? हाँ, हम तो आज पुतले की कहानी ही सुनेंगे। वो पुतला ऐसी एक कहानी मैं जानता हूँ, समझे? अच्छा तो सुनाइए ना, सुनाइए ना। ठीक है अभी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, क्या बात है गोपाल, तुम्हारी टोन तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। असल में सुबह शाम अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है ना, इसीलिए। ठीक कहा मंत्री। तो गोपाल थोड़ी सी भाग दौड़ करो, वरना शरीर का जो हाल बना रहे हो ना, उसे ढूंढने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ क्या बात है गोपाल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा तोंद किस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी इस तोंद का रहस्य हमें भी तो बताओ जरा। कैसे बताऊं महाराज, रोज तो दाल चावल ही खाता हूँ, फिर भी वो कहते हैं ना मेरा पेट और भी बढ़ता जा रहा है। अरे बाप रे, सिर्फ दाल चावल खाकर अगर तोंद इस तरह बढ़ जाए तो फिर? महाराज गोपाल कह तो रहा है दाल चावल, परंतु दाल चावल खाने के साथ साथ ये खा रहा है मांस भी। ओ क्या कह रहे हो मंत्री? ये मंत्री कुछ ज्यादा ही मेरी बुराई कर रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ महाराज, रोजाना मांस खाता है ये श्री गोपाल भाई, तभी तो उसकी ये तोन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है महाराज। बोलो गोपाल, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो क्या? वो क्या है कि मतलब कि आप मुझे अगर साहस देना महाराज तो मैं आपको सब कुछ बताऊं। अरे तो फिर बोलो ना। हाँ हाँ कहता हूँ महाराज। देखिए मंत्री जी ने आपको अभी अभी बताया कि मैं रोज मांस खाता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किस तरह का मांस खाता हूँ महाराज। इस तरह का मांस, अब इसमें बताने वाली चीज क्या है? हाँ हाँ मंत्री जी आप ठीक कहते हो। अब मैं फिर भी सारी सभा की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि महाराज के खाने से बचा हुआ मांस और हड्डियाँ मंत्री जी मुझे भेज देते हैं और वही मांस मैं खाता हूँ। ठीक गोपाल, ये तुमने क्या कह दिया? ये क्या बात है मंत्री, तुम क्या गोपाल को मेरा बचा खुचा झूठा खाना खिलाते हो? हाँ छी 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 छी। नहीं महाराज, बस, तुम्हें और हकलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। मुझे बताओ, तुमसे कुछ होता तो नहीं है, तो फिर क्यों बेवजह बेचारे गोपाल को परेशान करते हो? वाह वाह, बात तो पहले आपने ही शुरू की थी ना। गोपाल तुम लोग बैठो, मैं और मंत्री थोड़ा घूम कर आते हैं, ठीक है? चलो चलो मंत्री। छी 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 छी,
तुम्हारी वजह से आज मैं गोपाल के सामने कितना छोटा महसूस कर रहा हूँ। इसका एक तोड़ निकालना ही पड़ेगा। तुम अब ज्यादा बकवास करना बंद करो। रोज मांस दबा कर खाते हो, रोज दाल चावल नहीं खाते हो, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा था? हाँ? नहीं मतलब आपने ही तो गोपाल की तोंद को लेकर मजाक किया था। मैं तो बस मजाक में आपकी सहायता कर रहा था। लो, अब और सहायता करो। दे दिया ना उसने हम दोनों को करारा जवाब। वो तो है, अब क्या किया जाए वही सोच रहा हूँ। सोचो सोचो सोचो, अच्छी तरह सोचो मंत्री। मिल गया महाराज, मिल गया। क्या मिल गया? दिमाग। ओह, तुम्हारे पास दिमाग है, चलो अब बताओ। बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। गोपाल की हाथ की कारीगरी बिल्कुल बेकार है। अगर सभा में आप सभी को मिट्टी का पुतला तैयार करने को कहें, तब तो गोपाल को भी मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। और मैं निश्चित हूँ कि गोपाल वो पुतला तैयार करते हुए गलत शलत मिट्टी का इस्तेमाल करके कोई अजीब शक्ल की चीज बना डालेगा। ये हुई ना बात। किसने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? शैतानी दिमाग पक्का है। ठीक है, वही होगा, वही होगा। चलो चलो। अच्छा सुनिए, मैं आप सबको एक काम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब कृष्ण नगर के निवासी हैं, इसलिए यहाँ की जो प्रसिद्ध शिल्प कला है मिट्टी का बना पुतला, उसे आप सब तैयार करके कल यहाँ मेरे सामने ले आना। अगर पुतला सुंदर हुआ तो क्या आप इनाम देंगे महाराज? अवश्य इनाम देंगे हम, और अगर खराब हुआ तो सजा भी अवश्य मिलेगी। आखिर ये कौन सा ख्याल आ गया महाराज को? असल में इनके पास कोई काम धाम नहीं है ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि महाराज और मंत्री जी का जरूर इसमें कोई स्वार्थ है। सही कहा तुमने गोपाल। यही मौका है समझे? गोपाल तो लोटपोट ही हो जाएगा पुतला बनाने के चक्कर में। अब तुम मेरी बात सुनो, सुंदर सा एक पुतला बनाकर महाराज से इनाम हासिल कर लेना। क्या बात है, तुम एक सुंदर सा पुतला बनाकर महाराज से इनाम जीतोगी? क्या दिमाग है, लगता है दिमाग का खजाना है। अरे भगवान, पुतले की बात, मुझे तो पुतले का पू तक बनाना नहीं आता। तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है मुझे पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कह देती हूँ इनाम तुम्हें ही मिलेगा। नस्ती गाँव कान में बताती हूँ। क्या कह रही हो? सब कुछ समझा चुकी हूँ आपको। पर पूरे बदन में मिट्टी तो लेपनी पड़ेगी। अरे वो तो कल सुबह होगा। परंतु देर तो नहीं हो जाएगी ना? ओफ, इनाम के लिए जैसे मन ललचा रहा है। ओह, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्या बताऊं? क्यों, इनाम मिलेगा इसलिए? सिर्फ यही नहीं, गोपाल को जो सजा मिलेगी। अच्छा, तो फिर तुम एक तीर से दो दो निशाने लगा रहे हो, क्यूट, ठीक कहा ना? अरे बिल्कुल सही कहा। तो सब लोग अपने अपने पुतले लेकर आ गए हैं? जी महाराज। और तुम? मैं भी लेकर आया हूँ महाराज। वाह 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 वाह, अब तो सबके गुण जांचने पड़ेंगे। सब लोग अपने अपने पुतलों पर से कपड़ा हटा दो, मैं भी तो देखूं। सबसे पहले राज पंडित। ये क्या, क्या है ये, क्या बनाया है तुमने? महाराज ये एक बच्चा है। ये बच्चा नहीं, कच्चा है, कच्चा। ये है तुम्हारे हाथ की कला, मैं बहुत निराश हुआ। अगला। अब वैज्ञानिक। हाँ दिखाइए दिखाइए।
हमारे वैज्ञानिक जी ने कैसा पुतला बनाया है? महाराज, मैंने बनाया है एक दाढ़ी वाला वैज्ञानिक। ये है तुम्हारा दाढ़ी वाला वैज्ञानिक? कहाँ है दाढ़ी? ऐसा लगता है कि इसने पहनी है साड़ी। अब गोपाल की बारी है महाराज। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बारी है। देखिए महाराज, मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। चलो चलो गोपाल, अपना पुतला दिखाओ, मैं भी तो देखूं। ये 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 कौन है? ये तुम हो क्या? हाँ बिल्कुल महाराज। हाँ, पर तुम्हारे पुतले में तो तुम्हारी तोंधी नजर आ रही है। इसकी आंखें, मुंह, कान सब कहाँ हैं? महाराज, वो सब के सब तोंद में घुस गए। गोपाल, मैंने तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। सबने कोशिश तो की और तुमने क्या किया? एक मिट्टी का लेप बनाकर बता रहे हो कि तुमने पुतला बना लिया। क्यों गोपाल, इस बार पकड़े गए ना तुम। मंत्री, तुम भी काफी कुछ बोले जा रहे हो। ये बताओ, तुम्हारा पुतला कहाँ है? ये लीजिए महाराज, मेरा पुतला भी तैयार है। तुमने तो बहुत बड़ा पुतला बनाया है मंत्री। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर ये बताओ, इतनी अच्छी कारीगरी तुमने सीखी कहाँ से? हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज। ये मेरा पैदाइशी हुनर है। जन्म से ही पाया है मैंने। ओ, ऐसा है क्या? तो इस गुण के बारे में तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? असल में क्या है महाराज, मैं आपका गोपाल नहीं हूँ जो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करता फिरे महाराज। इसीलिए तो तुम मेरे मंत्री हो। ये मंत्री नहीं, षड्यंत्री है। गोपाल, लगता है तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये इतना सुंदर पुतला है कि मुझे इसे घर ले जाने का मन कर रहा है। मेरा पुतला तो मैं किसी को नहीं देने वाला, नहीं। अबे होशियार मंत्री, तू पुतला क्यों नहीं देना चाह रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। देखना पड़ेगा। महाराज, अब मंत्री जी के पुतले में ऐसा क्या है, मैं जरा छूकर देखना चाहता हूँ। मंत्री जी, क्या मैं आपके पुतले को जरा सा छूकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, खबरदार, बिल्कुल नहीं। कहीं तो पानी मिलाया है मंत्री ने। नजदीक जाकर देखना पड़ेगा। तो मंत्री, इस पुतले बनाने के खेल में जीत तुम्हारी हुई। तो महाराज, मैं ये कह रहा था, आपके वायदे के अनुसार अगर इनाम मतलब अरे हाँ हाँ, इनाम मिलेगा ना, इसमें शर्माने की क्या बात है। सुनो सिपाही, इस पुतले के बराबर के वजन की मोहरें मंत्री को दे दो। अभी सच्चाई जान लेता हूँ चूटी काट कर। ये क्या है? अरे मंत्री, तुमने देखा कि नहीं, वो पुतला हिल रहा था। क्या कह रहे हैं महाराज, पुतले में भी क्या कभी प्राण होता है? पर महाराज, आपका एक काम तो बाकी रह गया। अब कौन सा काम है? अरे वही, आपका सजा वाला काम। तुमने सही याद दिलाया मंत्री। मेरा यही तो काम है, आपको सही वक्त पर सही चीजें याद दिला देना महाराज। अब जाकर मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सही मंत्री हो। अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है सबसे खराब पुतला किसने तैयार किया है? नहीं नहीं, अपने मुंह से कहने में मुझे खराब लग रहा है,
पर बताना तो पड़ेगा ही महाराज, आपके आदेश को तो मैं कभी भी टाल नहीं सकता ना महाराज। अब ये चमचा गिरी, बस कीजिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सबसे खराब पुतला बनाया है गोपाल ने। ओ बजात मंत्री, अब मैं समझा दूंगा कि तू है कितना बड़ा षड्यंत्री। बिल्कुल सही, तुम एकदम सही कह रहे हो मंत्री। और आपके आदेश अनुसार सजा भी गोपाल को ही मिलेगी ना? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ क्या सजा दी जा सकती है गोपाल को? मैं तो कहता हूँ महाराज, गोपाल को अपनी तोंद लेकर पूरे राज्य का दौड़कर एक चक्कर लगाने को कहा जाए, तो उसको सजा भी मिल जाएगी और उसकी वो तोंद भी कम हो जाएगी। वाह वाह, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग तो जैसे खुलता ही जा रहा है। ठीक है, वही होगा जो तुम कहते हो। हाँ वही होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। किस बात का वक्त गोपाल? बात यह है कि इस दौड़ को शुरू करने से पहले मैं एक बार मंत्री जी के इस पुतले को छू कर देखना चाहता हूँ। हाँ तो देखो ना, अच्छी चीजों को जितना ज्यादा देखोगे तुम्हारी आँखों को उतना ही सुकून मिलेगा। अब गोपाल, गलती से भी मेरे पुतले को हाथ मत लगाना, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं मंत्री जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्या है मंत्री, तुम्हारा पुतला हंस कैसे रहा है? हा? ये बिल्कुल हंसेगा महाराज, हंसेगा, रोएगा, दौड़ेगा, खेलेगा। नहीं असल में क्या हुआ है महाराज, मतलब ये पुतला नहीं एक बच्चा है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? आप ही देखिए ना महाराज, मंत्री जी ने एक बच्चे के पूरे शरीर को मिट्टी का लेप लगाकर खड़ा कर दिया है। मंत्री तुमने मुझे ही धोखा दिया? हाँ नहीं महाराज, ये गोपाल की चाल है, ये सब मुझे फंसाने के लिए। वो मतलब? और मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ समझना है मैं सब समझ गया हूँ। सुनो सुनो सैनिकों, वो मोहरे मंत्री से छीन कर उन्हें तुरंत गोपाल के हवाले कर दो। अब पर महाराज, राज्य में दौड़ने की वो सजा को आप कृपा करके मत भूलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भूला नहीं, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ मंत्री। चलो अब दौड़ना शुरू करो, और हाँ पूरे राज्य में दौड़ कर ही आना, समझे? ऐ नहीं, हाँ दौड़ शुरू कीजिए मंत्री जी, दौड़ शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। तो इसके बाद मंत्री जी पूरे राज्य में दौड़े? दौड़ दौड़ कर मंत्री जी के पैरों में एक महीने तक दर्द रहा। इसे ही कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।